हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। मैं ऊटी में आई हूँ और उसके घूमने के लिए ऊटी में आई जरूर हूँ, बट आज मेरा फर्स्ट दिन है। मैं देखिए, मैं इसी बस से आई हूँ ऊटी घूमने के लिए, टूरिस्ट बस है। पर आप लोग ऐसा कभी मत करिए, अगर ऊटी में आप आइएगा तो टूरिस्ट बस में मत आइएगा। आप लोग यार सरकारी बस में आइएगा या अपने साधन से आइएगा। सरकारी बस का चार्जेस 30 रुपये है घुमाने का। और कौन सी जगह है? नहीं, ये प्लेस प्लेस मसीनी कुड़ी है। ऊटी से मसीनी कुड़ी का 30 से 40 रुपए किराया होता है, लेकिन यहाँ पे 350 रुपए एक लोग का लिए हैं। और ये गलत किए हैं क्योंकि टूरिस्ट बस है और उसके बाद बिठाने के बाद 50 रुपए चार्जेस लेते हैं, कहते हैं गाइड का। और गाइड क्या करते हैं कि दो जगह बस रोक के बोलते हैं ये चीज़ ये चीज़ बस में से दिखाते हैं आपको। नौ जगह का नाम फर्स्ट दिन 13 जगह का नाम बताएंगे, सेकेंड दिन 9 जगह का नाम बताएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट दिन या 2-3 जगह दिखाएंगे, सेकेंड दिन आपको 2 या 3 जगह दिखाएंगे और बस में से ही आपको दिखा देंगे। पूरा समय भी बर्बाद हो जाएगा और आपका पैसा भी नुकसान हो जाएगा। और आप अपने मन से कहीं घूम सकते हैं, कुछ रुक के खा भी नहीं सकते हैं और कहीं टहल भी नहीं सकते हैं। उसमें 30 मिनट या 20 मिनट देंगे, उसमें टिकट ही कटवाने में पैसा लग जाता है और जाने में पैसा लग जाता है। आने के बाद इन लोग बहुत बदतमीज़ किस्म से बात करते हैं, जो लैंग्वेज से बात करने का इनको कोई तरीका नहीं। और बाहरी लोगों से जिसको बात मतलब जिसको अंग्रेजी नहीं आता और कनाडा नहीं आता और जिसको हिंदी आता है, उनसे और बदतमीजी किस्म से इन लोग बात करते हैं। और पूछने के बाद इन लोग जवाब नहीं देते हैं। सर्विस चार्ज 50 रुपये ना देने पर इन लोग जगह का नाम भी नहीं बताते हैं। और हम चाहेंगे कि आप लोग प्लीज़ सावधान रहिएगा। और सफारी घूमने का 350 रुपये, जो कि सफारी में 330 या 340 रुपये किराया लगता है घुमाने का। पूरा जंगल जिसमें शेर, बाघ और हाथी, बंदर, जो भी चीज़ रहेगी। देखिए बोर्ड पे ऐसे लगी है ना, ये बोर्ड पे लगी हुई है, ये सारी रास्ते में आपको दिखेगा। और जो यूट्यूब पे भी लोग बहुत लोग दिखाते हैं, तो ये चीज़ घूमने को आपको मिलेगा। तो आप ऐसे देखिए, यही गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी का चार्ज 30 से 40 या 50, बहुत ज़्यादा लेंगे तो 60 रुपये लेंगे, इससे अधिक आपसे नहीं लेंगे। लेकिन टूरिस्ट बस ये क्या करते हैं, जो एक टूरिस्ट बस खड़ी है इसी से हम मैं आई हूँ, और ये टूरिस्ट बस ये करते हैं कि लोग 350 रुपये एक बंदे का लेते हैं, जो कि 10 या 12 किलोमीटर है। और एक बंदे का 350, जिसके पास 350 नहीं रहेगा वो घूमे कैसे? और उस जगह उतारते भी नहीं, एक हाथ में ला के गाड़ी खड़ा कर देंगे और आप लोग कभी नहीं घूम पाएंगे। और इन लोग कमीशन लेते हैं और कमीशन लेने के बाद ही आप लोग को सफारी में जाने का मौका मिलेगा। नहीं तो आप अगर पहले अगर घूमना भी है तो आप सफारी या 30-40 बहुत करेंगे 60 रुपये, उससे अधिक सफारी नहीं ले सकते हैं और आपको पूरा दिखाएंगे। 350 रुपये बहुत हो गए, इसका मतलब कि आपसे 200 रुपये वो अधिक ले रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऊटी में आइएगा तो सावधान रहिएगा। और जब ऊटी में आइएगा तो टूरिस्ट बस वाले आपसे जाते हैं पूछने के लिए, आपसे ऊटी बस जाते हैं पूछने के लिए कि चलिए, तो आप लोग सावधान रहिएगा, बहुत जगह जानकारी ले लीजिएगा और सरकारी बस का पता कर लीजिएगा। जानकारी लेने के बाद ही आप लोग ऊटी में जाइएगा और घूमिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करिएगा। मेरा फर्स्ट दिन है और मैं सेकेंड दिन ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं खुद अपना मैं सरकारी बस से घूमूंगी या ऑटो से घूमूंगी। और मात्र 30 से 40 रुपए किराया लगता है और ये लोग 350 रुपए एक बंदे का लिए हैं और टोटल 1000 एक लोग का खर्चा है। और इसमें कुछ नहीं दिखा रहे हैं, 2 से 3 प्लेस दिखा दे रहे हैं और 2 से 3 प्लेस ऐसे उतार के दिखाए हैं, 2 प्लेस उतार के दिखाए हैं, 1 सफारी प्लेस है और बाकी 2 या 3 प्लेस मतलब कि ये बैन में से ही दिखा दिए खिड़की में से। और ये मतलब उतारने पे नहीं उतारते हैं, मतलब बहुत बाउंडेशन है। इसलिए हम चाहेंगे आप सरकारी बस से खुश से आइए और गाइड से बच के रहिए। और जो बुकिंग करते हैं बस, उनसे बिल्कुल बच के रहिएगा। और ऊटी में ऐसा कभी मत करिएगा आप लोग, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कुछ मत करिएगा। यही हमारा बस है, देखिए इसी बस से हम आए हैं। और ये बस वाला बहुत बदतमीजी किस्म से बात किया है और ये 50 रुपये के लिए बहुत बदतमीजी किस्म से बात किया। और ऐसा है कि मैं इसको गलत पैसा और मैं 50 रुपये से दी भी नहीं हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं इसे 50 रुपये नहीं दी हूँ, इसलिए क्योंकि ये 350 रुपये लेने के बाद बीच रास्ते में आके बोलता है कि हमको 50 रुपये गाइडलाइन करने के दिया, और कोई गाइडलाइन नहीं किया है, कुछ भी गाइडलाइन नहीं। हम लोग को उतारा, हम लोग गए अपने से घूमे, अपने से आए और कोई गाइडलाइन नहीं किया। और ऐसे ऐसे अपने मनपसंद जगह पर उतारेगा और आपके पसंद किसी भी जगह पर नहीं उतारेगा। और ये बहुत बदतमीज किसी से ये बात किया है। और हाँ,
और हम कहेंगे। चलिए ओके दोस्तों, आप लोग से बात करके अच्छा लगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा और जब भी ऊटी में आइएगा आप लोग संभल के रहिएगा। ओके बाय।